नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो के अंदर जिस फिल्म की शूटिंग लोकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूं, उस फिल्म का नाम है कच्चे धागे। ये फिल्म थी अजय देवगन और सैफ अली खान की। तो वैसे तो मैंने पिछले साल इस फिल्म शूटिंग लोकेशन की एक सीरीज़ आपको दिखाई थी, तो उस टाइम मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी राजस्थान के मंडावा से। लेकिन इस फिल्म के बहुत से सीन राजस्थान के जैसलमेर से भी शूट किए गए हैं, और बेसिकली फिल्म का जो क्लाइमैक्स जो सीन है वो राजस्थान के जैसलमेर से ही शूट किया गया है। तो आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के जैसलमेर के अंदर, और फ़िलहाल मैं फिल्म की उस लोकेशन के ऊपर पहुंचा हूं जहां पर फिल्म में वो सीन कुछ इस प्रकार से आते हैं। फिल्म के अंदर जहाँ पर अजय देवगन और सैफ अली खान जब पुलिस से बच के भाग के आते हैं और उनके दोनों हाथों में हथकड़ियों से वो दोनों बंधे रहते हैं, तो जिस जगह वो अपनी हथकड़ियों को तोड़ते हैं, काटते हैं ना, आज मैं उस लोकेशन के ऊपर पहुंचा हूं। तो फिल्म के वो सीन राजस्थान के जैसलमेर के बड़ा बाग से दिखाए गए हैं। फ़िलहाल अभी मैं जैसलमेर से लगभग 7 या 8 किलोमीटर दूर बड़ा बाग पहुँच चुका हूँ। देखिए, बड़ा बाग के अंदर ये यहाँ पर टिकट काउंटर बना हुआ है, तो यहाँ से हम टिकट लेंगे। बेसिकली जो पर पर्सन 100 रुपीज़ का टिकट यहाँ पर लगता है, यहाँ से टिकट लेने के बाद हम जाएंगे बड़ा बाग। तो ये जो आप रास्ता आप देख पा रहे हैं ना, ये जो रोड आप देख पा रहे हैं, ये रोड जा रही है सीधी बड़ा बाग के अंदर। वो जो छतरियाँ आप देख पा रहे हैं ना, वहीं से फिल्म की शूटिंग हुई थी। वैसे तो बहुत सी फिल्मों की शूटिंग यहाँ बड़ा बाग के अंदर हो चुकी है, लेकिन आज हमारे इस वीडियो के अंदर मैं आपको कच्चे धागे फिल्म की शूटिंग लोकेशन दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आप शेयर करें। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली दोस्तों, अभी हम बड़ा बाग की उन छतरियों के पास में पहुंच चुके हैं। देखिए, यहीं पे ये बहुत सी छतरियाँ बनी हुई है जहां पर फिल्म की शूटिंग हुई थी। अभी वैसे मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगा, उससे पहले यहां की थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये जो बड़ा बाग जो जगह है ना, ये मतलब जैसलमेर के जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनका ये शाही शमशान क्षेत्र हुआ करता है। यहाँ पे मतलब जब भी कोई राजा महाराजा का कोई देवलोक गमन होता था तो यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया जाता था। इसके बाद फिर यहाँ पे उनकी छतरियाँ बनाई दी जाती थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सी छतरियाँ बनी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है। कच्चे धागे फिल्म के अलावा बहुत से सॉन्ग भी यहाँ पर शूट होते रहते हैं। तो चलिए फिर अब मैं आपको यहाँ इन छतरियों का नज़ारा दिखाता हूँ, और फिल्म के अंदर जो सीन जहाँ से दिखाए गए हैं वो हम ढूंढते हैं पहले, और फिर आपको लोकेशन दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस रास्ते से होते हुए हम यहाँ पे आए हैं। देखिए उधर, वहाँ पे वो टिकट काउंटर बना हुआ है जहाँ से हमने टिकट लिया था। इसके साथ ही देखिए रास्ता आ रहा है, और यहाँ पे एक ये शिव मंदिर बना हुआ है, और यहाँ पे देखिए ये बहुत सी पवन चक्कियाँ चलती रहती है। और बड़ा बाग का जो नज़ारा है वो अब ये आपके सामने है। ये है खूबसूरत सा बड़ा बाग। तो देख सकते हैं आप कितनी छतरियाँ यहाँ पर बनी हुई है, वहाँ ऊपर तक छतरियाँ बनी हुई है। देखिए, ये थोड़ी पहाड़ी है, इसके ऊपर भी कुछ छतरियाँ बनी हुई है। तो यहाँ से अब हम आगे चल रहे हैं, आपको छतरियों का नज़ारा दिखाते हैं और फिल्म की लोकेशन हम आगे चल के आपको मैच करवाते हैं परफेक्ट। तो अभी हम बड़ा बाग के अंदर पहुँच चुके हैं जहाँ पे ये बहुत सी छतरियाँ बनी हुई है। तो देखिए, जैसे ये जो छतरी बनी हुई है इसके ऊपर ये लिखा हुआ देखिए, महारावल जवाहर सिंह जी। तो ये महारावल जवाहर सिंह जी की छतरी है, ठीक है। इसके अलावा ये फिर इधर और छतरी है। यहाँ पे एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। तो जैसे राजा महाराजाओं के अंतिम संस्कार होते थे ना, तो यहाँ पे जैसे अंतिम संस्कार किया जाता था, फिर इस प्रकार से छतरी बना दी जाती थी। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये तीन, तो यहाँ पे अब छतरी बनने वाली है। अब मतलब कभी भी बन सकती है, टाइम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन
कितने दिन बाद में छतरी बनती है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन इनके ऊपर छतरियाँ बनेगी। जिस प्रकार से ये छतरियाँ बनी हुई ना, इस प्रकार से इनके ऊपर भी छतरियाँ बनेगी, ठीक है। यहाँ पे इस पहाड़ी के ऊपर भी छतरियाँ बनी हुई है, और फिल्म के सीन बेसिकली यहाँ ऊपर से दिखाए गए हैं। ये कुछ और बड़ी बड़ी छतरियाँ बनी हुई है यहाँ पे, ये कुछ डैमेज हो चुकी है। और देखिए, मतलब ये जो डैमेज हो जाती है ना, उनको देखिए ठीक भी किया जाता है यहाँ पे। ये सामने आप देख पा रहे हैं ना, थोड़ा काम यहाँ पे चल रहा है। तो इस प्रकार से वहाँ बहुत आगे तक छतरियाँ बनी हुई है। अभी हम सबसे पहले फिल्म की लोकेशन को ढूंढते हैं और फिर आपको लोकेशन दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं ऊपर किस प्रकार से छतरियाँ बनी हुई है। यहाँ पे नीचे इस प्रकार से गुंबद टाइप की छतरियाँ हैं, ऊपर अलग टाइप की छतरियाँ हैं। अभी हम यहाँ इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हैं, आपको ऊपर से इन छतरियों का भी नज़ारा दिखाते हैं और फिल्म की लोकेशन भी चल के आपको दिखाते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल लोकेशन के बिल्कुल पास में पहुंच चुका हूं। ये इस पहाड़ी के ऊपर ये सामने ये जो छतरी आप देख पा रहे हैं ना, यहां से फिल्म के अंदर सीन शूट किए गए थे। यहीं से अजय देवगन और सैफ अली खान हैं, वो जो हथकड़ियाँ उनके हाथों में बंधी हुई रहती है ना, उनको यहाँ पर तोड़ते हैं बैठ के, और इन छतरियों का नज़ारा दिखता है। इसके अलावा इधर जो छतरियाँ हैं उनका नज़ारा दिखता है। अभी हम थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं और जिस प्रकार से कैमरा एंगल करके फिल्म के अंदर जो सीन दिखाया गया है वो मैं आपको मैच करवाता हूँ। दोस्तों, फिल्म का एक सीन तो देखिए यहाँ इस छतरी से ही दिखाया गया है। तो ये जो छतरी है ना, इसकी ये जो गुंबद है, इस गुंबद का नज़ारा दिखता है। ये देखिए स्क्रीनशॉट के अंदर आप मैच कर सकते हैं। तो इसे जूम करके दिखाया गया है। इसके बाद देखिए फिल्म के अंदर ये सीन दिखाया गया है। अब इस सीन के अंदर होता क्या है, जो सैफ अली खान और जो अजय देवगन होते हैं ना, वो यहाँ पे इस छतरी के पास में बैठे रहते हैं इस जगह नीचे, और जो नम्रता शिरोडकर जो होती है, यानी कि फिल्म के अंदर जो रागिनी जो होती है, वो यहाँ नीचे से इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के आती है। यहाँ पे अजय देवगन और सैफ अली खान बैठे रहते हैं। तो इस छतरी का नज़ारा दिखता है, स्क्रीनशॉट के अंदर मैच कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो नीचे जो छतरियाँ बनी हुई है, इनका नज़ारा दिखता है। देखिए इनके ऊपर ये जो गुंबद है, इन्हें आप मैच कर सकते हैं। ये जो सामने वाली छतरी है, इसे भी आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो फिल्म के एक सीन में ये नज़ारा दिखाया गया है। अभी देखिए ये जो छतरी है ना, ये शायद पहले टूटी हुई थी, अभी इसका देखिए दोबारा से रिनोवेट कर रहे हैं दोबारा से। ये आप सामने देख सकते हैं, इसके अंदर कुछ कारीगर यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो फिल्म का एक सीन तो यहाँ से दिखाया गया है। अब देखिए फाइनली ये वो जगह है जहाँ पर अजय देवगन और सैफ अली खान ने अपने हाथ की हथकड़ियों को तोड़ा था। देखिए यहीं पे वो बैठे रहते हैं, जो अजय देवगन और सैफ अली खान जो होते हैं ना, यानी कि फिल्म में जो आफ्ताब और जो धनंजय पंडित होता है, वो यहाँ पे बैठा रहता है जब वो पुलिस से भाग के आते हैं। इसके बाद वो देखिए यहीं पे ये जो पत्थर आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे अपनी हथकड़ियों को तोड़ते हैं, और इस रास्ते से नम्रता शिरोडकर यानी कि फिल्म में जो रागिनी होती है, वो यहाँ पे उनके पास में आके बैठती है। तो यहाँ से वो हथकड़ी को तोड़ते हैं। फिल्म के अंदर एक सीन देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है। ये जो इस छतरी के ऊपर ये जो पत्थर हैं, ये जो पत्थर यहाँ पर लगे हुए हैं ना, इनके ऊपर ये जो डिज़ाइन आप देख पा रहे हैं ना, ये वाली ये जो डिज़ाइन आप देख पा रहे हैं ना, परफेक्ट इसे स्क्रीनशॉट के अंदर मैच कर सकते हैं। सैफ अली खान जब यहाँ पे बैठे रहते हैं तो उनके पीछे ये जो डिज़ाइन है ये दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी हथकड़ियों को तोड़ा था, ठीक है। फिल्म के एक सीन में कैमरा एंगल इधर से किया गया था, जब नम्रता शिरोडकर यहाँ पर आती है ना, तो एक सीन के अंदर कैमरा एंगल कुछ इस प्रकार से करके हमें सीन दिखाए गए हैं। आप देखिए ये सीन आप मैच कर सकते हैं। इस सीन के अंदर इस छतरी के नीचे बैठे ही रहते हैं अजय देवगन, सैफ अली खान और जो नम्रता शिरोडकर होती है, वो तीनों यहाँ पे बैठे रहते हैं, हथकड़ी को तोड़ देते हैं, और ये नज़ारा दिखता है। देखिए ये इस पहाड़ी के ऊपर छतरियाँ बनी हुई, इनका नज़ारा दिखता है। देखिए सीरियल वाइज इस प्रकार से बनी हुई, इनका नज़ारा दिखता है और इस वाली छतरी का नज़ारा दिखता है। तो फिल्म का एक सीन यहाँ से दिखाया जाता है। इसके बाद जो अजय देवगन होते हैं वो यहाँ से जाने लगते हैं, जब वो अपनी हथकड़ियों को तोड़ देता है ना, तो वो यहाँ से जाने लगते हैं, अपनी माँ के पास जाने के लिए वो बोलते हैं।
तो एक सीन के अंदर कैमरा एंगल थोड़ा उधर दूर से किया गया था, तो अब हम उस सीन को आपको मैच करवाते हैं। तो अब देखिए फिल्म के अंदर एक सीन यहाँ से दिखाया जाता है और इस सीन के अंदर यहाँ से अजय देवगन जाने लगते हैं नीचे की तरफ, यानी कि फिल्म के अंदर जो आफ्ताब होता है वो अपनी माँ के पास में जाने लगता है। तो यहीं से अजय देवगन नीचे की तरफ जाते रहते हैं और उनके पीछे फिर सैफ अली खान भागते हैं उनको रोकने के लिए। इस छतरी का नज़ारा दिखता है, आप मैच कर सकते हैं। इसके बाद इन छोटी छतरियों का नज़ारा दिखता है, वो आप मैच कर सकते हैं। ये इन बड़ी छतरियों का नज़ारा दिखता है, इन गुंबदों को आप उसी प्रकार से मैच कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए ये वाली जो छतरी है ना, इसकी ये जो गुंबद है ये मतलब उस टाइम में टूटी हुई थी, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे काम चल रहा है, इसे दोबारा से बना दिया गया है, तो उस टाइम में ये टूटी हुई थी, तो इसका भी नज़ारा दिखता है। ठीक है, तो एक सीन यहाँ से दिखाया जाता है। फिल्म के एक सीन में ये जो दो गुंबद आप देख पा रहे हैं इनका एक साथ में नज़ारा दिखता है। तो यहाँ सामने अजय देवगन, सैफ अली खान और नम्रता शिरोडकर यहाँ पे खड़ी रहती है फिल्म के अंदर, और ये दोनों गुंबदों का नज़ारा दिखता है, स्क्रीनशॉट के अंदर आप देख सकते हैं। फिल्म के अंदर एक सीन यहाँ से दिखाया जाता है। इसके बाद कैमरा एंगल देखिए कुछ इस प्रकार से किया जाता है। ये जो छतरी आप देख पा रहे हैं ना, ये वाली जो छतरी आप देख पा रहे हैं ना, इसका नज़ारा दिखता है। यहाँ पे सैफ अली खान रहते हैं और उनके पीछे इस छतरी का नज़ारा दिखता है। उस टाइम में ये इसकी ये जो गुंबद थी ये टूटी हुई थी। ठीक है, और इसके बाद जब अजय देवगन यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं ना, तो वो फिर इसी छतरी के अंदर आके रुकते हैं, और यहाँ पे आने के बाद फिर जो सैफ अली खान यानी कि फिल्म के अंदर जो धनंजय पंडित होते हैं वो उन्हें समझाते हैं और वो फिर यहाँ पे उन्हें रोकते हैं, क्योंकि फिल्म में जो आफ्ताब होता है वो अपनी माँ के पास जाना चाहता था यहाँ से अपनी हथकड़ियाँ टूटने के बाद। तो एक सीन यहाँ से दिखाया गया। देखिए ये जो इस प्रकार से इस छतरी के अंदर ये जो प्रतिमा टाइप में यहाँ पे बनी हुई है ना, ये जो मूर्ति सी यहाँ पे लगी हुई है, इसे आप मैच कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट के अंदर एक नज़ारा दिख रहा है यहाँ से, अभी फ़िलहाल यहाँ पे काम चल रहा है इस वजह से हम अंदर जा नहीं सकते हैं। ठीक है, और फिल्म का एक सीन यहाँ अंदर से भी दिखाया गया है। इसके अलावा एक सीन के अंदर कैमरा एंगल इसी छतरी के अंदर से किया गया था, तो देखिए ये नज़ारा दिखता है। ये इधर जो छोटी जो छतरियाँ दिख रही हैं ना, इनका नज़ारा दिखता है। सैफ अली खान और जो अजय देवगन, नम्रता शिरोडकर इस छतरी के अंदर इस छतरी के अंदर रहते हैं ना, तो ये नज़ारा दिखता है। ये भी आप स्क्रीनशॉट के अंदर मैच कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जैसलमेर का बड़ा बाग के अंदर जो छतरियाँ बनी हुई है वो मैंने आपको दिखाई है, और कच्चे धागे फिल्म के अंदर जो भी सीन यहाँ से दिखाए गए हैं वो मैंने आपको दिखाए हैं, सभी सीन को अच्छे से मैच करवाया है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आप शेयर करें। तो मिलते हैं हम कच्चे धागे फिल्म शूटिंग लोकेशन के नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।